हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसे मैं आज आप सबको बताना चाहूंगा कि पूरे दिवाली के अंदर जो मैंने ताबीज बनाया है वो दो प्रकार के ताबीज है। एक प्रकार का सुरक्षा कवच है, जो घरों के अंदर सुरक्षा कवच आप मंगा सकते हैं और उसे आप यूज कर सकते हैं। सबके मैं कारण बताऊंगा कि कारण क्या है, किस तरीके से आपका काम होगा उस ताबीज धारण करने से क्या क्या होगा। पहले तो मैं आपको परिचय करा देता हूं। ऐसे आप देख रहे हैं कि ये बड़े साइज का ताबीज है, ये सुरक्षा कवच के लिए है, जो घर के लिए होता है। घर बांधना है, मैं बहुत सारे जुगाड़ आप सबको दे दिया, बहुत सारे टोटके दे दिया है, जिसका कारण है कि आप नहीं कर पाते हैं। तो ये घर के लिए है, वो इसकी भी मैं कई प्रकार से आपको वीडियो में बताऊंगा, आप इसे भी मंगा सकते हैं। दूसरा चांदी में हमने बनाया है, ये देखें चांदी में बनाया है, और ये चांदी में जो है आप धारण करेंगे तो इसका भी क्या रिजल्ट होगा उसके लिए भी बता सकते हैं। तीसरा जिसे आप देख रहे हैं कि ये पंच धातु में है, तो इस तरीके से। और चौथा मैं बताना चाहूंगा कि चौथा जो है वो है गोल्ड, सोने का है। आप ये देख सकते हैं मैंने चार प्रकार की चीजें बनाया है। ये यहां पे देख सकते हैं, ये गोल्ड है, सोने का है पूरा। अब सोने का मैं ताबीज इसलिए नहीं बनाता कि वो कॉस्टली पड़ता है, कम से कम 3 ग्राम सोने चले जाते हैं उसके अंदर, और 3 ग्राम की आप समझ सकते हैं कि सोना ले लेता है कम से कम 12-12.5 हजार रुपए ले लेता है। उसके बाद मटेरियल भरा जाता है, सिद्धि किया जाता है। अब चलिए हम बताते हैं चांदी, चांदी और पंच धातु का जो होता है। ये पंच धातु होता नहीं, सिर्फ कलर मारा गया है, फिर व्हाइट हो जाएगा ये। तो इनका मैं कारण बताता हूं कि ताबीज पहनने से क्या क्या बेनिफिट है, आपको क्या लाभ मिलेगा, कैसे आप बुरी शक्तियों से बच सकते हैं। ताबीज धारण करने का जो विधि होगा वो मैं वीडियो में दे दूंगा। जो ताबीज मंगाएगा उसको वीडियो का लिंक आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, उस वीडियो को देखते हुए आप पहले उतारा करेंगे फिर ताबीज पहनेंगे आप, ठीक है। अब ताबीज का प्रयोग क्या है, ताबीज क्या क्या चीजों से बचाती है आपको, ताबीज आपके लाइफ में जब आपके गले में ताबीज रहेगा तो आप कौन से शक्तियों से बच सकते हैं, कौन सी शक्तियों से आप लड़ सकते हैं, यह सुने आप। पहला कारण यह है कि जब ताबीज आप धारण करते हैं दिनेश्वर महाराज का, इस ताबीज में 16 शक्तियों को स्थापित किया गया है। 16 शक्तियां हैं जिसे मैं आपको बता नहीं सकता, लेकिन मोटा मोटा शक्ति बता देता हूं कि मोटा शक्ति क्या है, ठीक है। इसमें बेताल का वास है, भगवान विष्णु जी का वास है, माता दुर्गा माता बजरंगबली भैरव जी का है, ठीक है, इन सबका है। प्लस जो सर्व ब्रह्मांड के अंदर जो शक्ति चलने वाली है उनका नाम नहीं बताऊंगा, कोई भी तांत्रिक उसे चेक करके उसे बता नहीं सकता कि वो क्या है। किसी भी प्रकार का तांत्रिक आपके ताबीज को नहीं काट सकता, ये पहले इसके अंदर खूबियां हैं। अब इसके अंदर आपको क्या क्या हो सकता है, सामने वाले ने अगर आपको मारने का प्लान कर लिया है जिसे आपने ताबीज धारण किया है, कोई अघोरी हो, तांत्रिक हो, या मुस्लिम क्रियाएं करने वाला मुल्ला हो या मौलवी हो, अगर आपके ऊपर भूत छोड़ते हैं, जीन खबीज छोड़ते हैं, तो आपके बॉडी को टच नहीं कर पाएगा। जब टच नहीं कर पाएगा तो आपके अंदर घुसेगा नहीं, क्योंकि उसे उस ताबीज के अग्नि में जलना पड़ेगा उसे, ठीक है। मान लीजिए कोई खतरनाक जीन खबीज लगा दिया हो, गंदे हरकते करने वाला, अगर कोई बेटियां पहनती हैं या बहन बेटियां पहनती हैं तो उनको पहली बार वो पकड़ेगा नहीं, वो दूर हो जाएगा। वहां पे मौलवी मुल्ला चिल्लाते रहेगा कि तुझे मैंने वहां भेजा, तूने काम क्यों नहीं किया, तो एक ही जवाब देगा, उसके गले में ताबीज है, मैं कुछ नहीं कर सकता। अब इससे आगे की पोजीशन बता रहा हूं, जैसे आप सब तांत्रिकों से बैर लेते बैठते हैं, गांव के तांत्रिक हो या शहर के तांत्रिक हो, तो तांत्रिक क्या करता है, कोई भी तामसिक शक्ति आपके पास भेजता है तो उसे मुर्गा बलि देता है, मारण प्रयोग में यूज करता, आपके नाम पे मुठ चलाते हैं, तो वो जितने भी तामसिक शक्तियों का जो शक्तियां आपके समक्ष में आएगी तो आपको महसूस हो जाएगा कि कोई तो शक्ति मेरे पीछे पड़ी है, लेकिन आपको टच नहीं कर पाएगा। और शमशान के अंदर वास करने वाले अघोरी, बहुत बड़े से बड़े विद्वान होंगे अघोरी तांत्रिक, यहां तक अपना मूत्र खुद सेवन कर जाता है, यहां तक बॉडी पे बैठ के आपके ऊपर मुठ चलाता है, चीता के ऊपर बैठना होता है उसे, वहां से बैठ के बड़े से बड़े वीर को, बड़े से बड़े भैरवी को आपके पीछे लगाया जाता है,
जब वो शक्तियां छोड़ने के लिए जब तैयार होगा तो पहले शमशान में ही जवाब दे देगा वो शक्ति कि मैं नहीं जाऊंगा या मैं नहीं जाऊंगी। लेकिन फिर भी अब उसके लिए भैया बकरे को काट के खप्पड़ भर लिया है, मांस छोटे छोटे करके वो आहुति देगा, वीर को देगा, मशानी को देगा, जितने भी वहां शमशान के देवता होते सबको देगा। आपको मारना है तो आपके ऊपर मुठ छोड़ना चाहेंगे तो ये क्रियाएं करेंगे वो, पर वो क्रियाएं आपके पास आएगा, अस्थाई रूप से शांत हो जाएगा, आपका कुछ भी नहीं करेगा, वो रिटर्न चले जाएगा। वो क्रियाएं जब तक आपको ढूंढेंगी और सोचेंगे कि इसके गले से ताबीज निकल जाए तो इसके अंदर मैं घुसूं, क्योंकि सामने वाले ने खिला पिला के भेजा है ना, उनको खप्पड़ भर के खून दिया है, भैरवी को खून दिया है, वीरों को खून दिया है, शमशान के देवताओं को खून दिया है, मांस मदिरा पिलाया है और चीता में बैठ के उसने सारा कार्य किया है, तो उनकी सारी विद्याएं शांत हो जाएंगी। अब इससे ज्यादा कोई विद्याएं चलाता नहीं है, किसी को मारने मरवाने के लिए, मुठ छोड़ने के लिए जो भी विद्याएं चलाते हैं इसके ऊपर, तो विद्या काम नहीं आएगी। आप ये लिख लें, किसी भी तरीके के आप भूत प्रेत डायन डगनी आपके शरीर में वास नहीं कर सकते हैं। उसके लिए जब ताबीज आप धारण करेंगे तो उस समय उसके लिए एक वीडियो दे दिया जाएगा जिसे आप देख के अपना कार्य कर सकते हैं, उसके बाद ताबीज धारण करते हैं। इस ताबीज का चमत्कार जो है वो मैं आपको बता देता हूं। कोई भूत वाला बंदा होगा जिसको खिलाया पिलाया गया होगा, उसे गले में डालोगे ना तो वो वहीं पे लॉक हो जाएगा, उसे शरीर में लॉक हो जाएगा, तो पीड़ा देना चालू कर देगा, गर्मी देना चालू कर देगा। अगर आपके शरीर में कुछ भूत प्रेत डाइन डिंगनियों का छाया है तो आपको गर्मी एहसास होगा, आज तड़पेंगे आप, ठीक है, तो वो तड़पेंगे तो समझ जाना कि ताबीज उसका बाप है। उस ताबीज को निकालो, जो विधि मैं दूंगा उस तरीके से आप अपने ऊपर किए हुए तंत्र, कच्चा मशान, पक्का मशान या जिन खबीजों का वास पहले आप खुद से काटेंगे, किसी तांत्रिक के पास नहीं जाएंगे, उसके लिए जो वीडियो दूंगा उसके अंदर पूरी नसीहत रहेगी। वो करने के बाद, उतारा करने के बाद, सब काम करने के बाद, उसके बाद ताबीज धारण कर लो, जिंदगी भर आप मुक्त हो जाएंगे कि कोई भूत प्रेत डाइट डगनी आपको टच करेंगे, ठीक है। ये रहा ताबीज का। ताबीज में कुछ आकर्षण पॉइंट डाला गया है, आकर्षण वाली शक्तियां डाली गई है। अगर आप कहीं काम के लिए जाते हैं, बनता हुआ काम बिगड़ जाता है, आप उसके पास जाते हैं ताबीज धारण करके, तो ये शक्तियां उसे अपने वश में करने की कोशिश करेंगे, आपका काम होने के लिए कोशिश करेंगे, ठीक है, तो ये उनसे सौदा डन करा देगा। रही बात इस ताबीज को आप धारण करते हैं, धारण करिए, जैसे आप मंदिरों में अगरबत्ती दिखाते हैं उसी प्रकार से सुबह के टाइम पे अगरबत्ती इस ताबीज को भी दिखा देते, गले में ही रहेगा, बड़े धागे में पहनो, उस ताबीज को भी आप दिखा देते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, सिर्फ एक ही मंत्र भी बोलते हैं तो भी काम हो जाएगा। उसे बोलते हुए आप दो तीन बार अगरबत्ती दिखा देते हैं तो ये पावर हमेशा मजबूत और हमेशा बनी रहेगी, जो आपके ऊपर आने वाली समस्याओं को लात मार के बाहर कर देगा। ये है इस ताबीज के अंदर ताकत, और इस ताबीज का जो डिटेल मैंने दिया है उसे आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं और अपना कार्य कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ताबीज चाहिए तो आप फोन करके आप ऑर्डर कर सकते हैं, मंगा सकते हैं। इस ताबीज का जो भी योगदान होगा वो आपको देना होगा, क्योंकि ये ताबीज एक दिन में सिद्ध नहीं हुआ है, जब से दिवाली स्टार्ट हुई है दो दिन पहले से इसका काम स्टार्ट हुआ है। लास्ट में इस वीडियो में आप देखेंगे कि वीडियो टच करके दिया गया है आपको, इसमें आप देख सकते हैं कितने सारे ताबीज हैं, कम से कम कुछ नहीं तो 700 के आसपास की ताबीजें हमने बनाई है। तो उस तरीके से गरीब है तो गरीबों के लिए हम सोचेंगे कि कैसे देना है। अगर वो कॉन्टेक्ट करेगा भैया जो ताबीज होगा उस ताबीज में देखेंगे, गरीब को गरीबी के हिसाब से हम उसे बात करेंगे, उसे हम कोरियर कर देंगे अगर वो लेना चाहता है तो, ठीक है। दूसरी बात मैं बताना चाहूंगा कि इस वीडियो को हो सके गांव खेड़े में, जिले जवार में इसे शेयर करें, ताकि ये वीडियो देख के वो ताबीज मंगाए और अपने गले में धारण करें, ताकि हर एक परेशानियों से दूर रहें, ठीक है। और इस वीडियो को लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना। आप जय माता दी, जय भैरव।